हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले लेक्चर में हमने दिया कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल विच फॉलोज द कंडीशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो आप माइंड में ना ये सेट कर लेना कि एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन होगा। हमने इस फॉर्मूले को हमने प्रूव भी किया था अभी इसके पहले लेक्चर में, बट मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ इसकी प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका सीखो। जैसे सपोज करो कि इस क्वेश्चन में हमने ले लिया कि y equal to fx is a polynomial function which follows the condition this one and f of 3 equal to 28 then find f of 4। तो आप देखो कि हमारे पास कंडीशन जो दिया हुआ है, हमने जो बोला था वही है। तो यहाँ पे fx equal to बोलेंगे 1 plus minus x to the power n, f of 3 दिया हुआ है, तो put x equal to 3, 1 plus minus 3 to the power n, f of 3 का वैल्यू 28 है, तो 28 equal to 1 plus minus 3 to the power n, 1 को इधर ले आओ, 27 equal to plus minus 3 to the power n। अब यहाँ से देखो तो 3 to the power n equal to 27 भी होगा और माइनस 3 टू द पावर n इक्वल टू 27 भी होगा। अब हमने बोलना है कि ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि 3 टू द पावर n एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बराबर होगा। हमारे पास ये अगर मैं माइनस साइन इधर लेके चलूं तो पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि 3 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 3, देयरफॉर n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। अब n के 3 वैल्यू के लिए हम लोग f ऑफ 4 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहां पे कि f ऑफ 4 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, तो सिंस f ऑफ 4 इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n। अब यहां बच्चे एक बात ध्यान देना, एक गलती करने का चांस है यहां पे। जैसे अगर मैं इस डेटा को लेकर चलता हूं कि f ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n, तो यहां से 1 प्लस माइनस 4 और n का वैल्यू हमारे पास अभी आया था थोड़ी देर पहले 3, तो यहां से हम लोग लेके चलेंगे कि f ऑफ 4 का वैल्यू 1 प्लस 4 टू द पावर 3 और 1 माइनस 4 टू द पावर 3, बोले तो ये 64 प्लस 1 65 हो गया और ये माइनस 64 प्लस 1 बोले तो माइनस 63 हो गया। अब रहा सवाल के साथ कि माइनस 63 होगा या 65 होगा, तो आप ये याद रखो, ये जान लो, ये आपके पास पता होना चाहिए कि जो n का वैल्यू निकला हमारे पास वो प्लस साइन से निकला या माइनस साइन से। इसके पहले वाले स्टेप में कि n का वैल्यू देख रहे होगे ना कि 3 टू द पावर n इक्वल टू 27 था और एक माइनस 3 टू द पावर n इक्वल टू 27 था, तो जो n का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वाले से निकला, तो हम लोग f ऑफ 4 निकालने के लिए ये दोनों साइन यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाला ही यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला ही यूज करेंगे, ये लेकर चलेंगे। इसका कोई सेंस यहां पे नहीं है। तो लोग इसका सेंस कब हमारे पास आ पाता सर? तो बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन में क्या था, f of 3 equal to 28, तो यहां से देख रहे होंगे f of 3 equal to 28 था, तो n का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वाले से आया। मैं बट बोलना चाह रहा हूं कि नेगेटिव वाला से आंसर कब हम लोग लेंगे, तो अगर मैं जरा सोचो कि f of 3 equal to minus 26 कह देता, तो f of 3 equal to minus 26 कहता ना, तो आप जरा सोचो ना कि f of 4 का वैल्यू निकालना होता, तो f of 3, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर f of 3 equal to minus 26 कहता और f of 4 की वैल्यू की बात कहता, तो यहां पे हम लोग इस तरीके से बोल सकते थे। ध्यान देना, मैं इसको बस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हम लोग निगेटिव वाली वैल्यू कब लेंगे, तो जब f ऑफ समथिंग का वैल्यू ना निगेटिव दे दिया जाए और वहां से n का वैल्यू देखना कि निगेटिव वाले से निकल रहा है कि नहीं। अगर निगेटिव वाले से निकल रहा है तो निगेटिव वाली वैल्यू की बात करेंगे, तो हमारे पास f ऑफ 3 माइनस 26 अगर हमारे पास है, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 टू द पावर n, इसका वैल्यू माइनस 26, 1 प्लस माइनस 3 टू द पावर n, इसको इधर ले आओ, तो माइनस 27 इक्वल टू प्लस माइनस 3 टू द पावर n। यहां से फिर दो वैल्यू हमारे पास लेके चलेंगे, माइनस 27 इक्वल टू माइनस 3 टू द पावर n, माइनस 27 इक्वल टू प्लस 3 टू द पावर n, ये पॉसिबल नहीं है, ये से ये गया तो n इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख रहे हैं ना कि हमारे पास n का जो वैल्यू आया किससे आया, प्लस वाले से या माइनस वाले से? माइनस वाले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 4 का जो वैल्यू हम निकालेंगे ना, हम लोग यूज करेंगे माइनस साइन, आई मीन टू से कि f ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस जो हमारे पास 4 टू द पावर n है, वो प्लस साइन हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, हम लोग माइनस साइन लेकर चलेंगे, तो हमारे पास 1 माइनस 4 और 2 द पावर n का वैल्यू 3, बोले तो माइनस 63। राइट नाउ, बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे बस यही है इस क्वेश्चन को बताने का। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में fx, I mean y equal to fx is a polynomial function, y equal to fx is a polynomial function which follows the condition fx plus f of 1 by x equal to fx into f of 1 by x की बात करेगा, then suddenly we will write fx equal to 1 plus minus x to the power n। राइट ना? तो समझते हैं इस बात को एक बार और।
ध्यान दीजिएगा, एक और छोटे से क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में दे दिया कि एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ध्यान देना बच्चे, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू टू प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ फोर इक्वल टू 17, देन फाइंड एफ ऑफ फाइव। अब एक बात यहां पर देखने वाली बात है, समझना कि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन वो कंडीशन डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। तो मैं ये बोलना ये चाहूंगा कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो कंडीशन डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो पहले आप कोशिश करो ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन में वो कंडीशन ले आए। अगर वो कंडीशन आ गया तो हम लोग बड़े आराम से फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, आई मीन टू से इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। और फंक्शनल इक्वेशन में हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसे फंक्शनल इक्वेशन, अभी भी सिर्फ इस बात को ध्यान में रखो कि फंक्शनल इक्वेशन वैसे इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें एफ एक्स एफ वाई मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ध्यान देना कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड अगर मेरे पास इक्वेशन हुआ तो वैसे इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे क्या है वाई है। तो खैर एनीवे फंक्शनल इक्वेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे देता हूं कि फंक्शनल इक्वेशन में अगर हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बोल दिया जाए ना तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ भी एक्स और वाई के बदले पुट कर सकते हो, लाइक एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू फाइव, जिससे हमारा मैनिपुलेशन आसान हो जाए। ये ध्यान में रखना है। तो बोलो ये कैसे पता कर पाएंगे किस क्वेश्चन में क्या पुट करना है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो वो प्रेडिक्ट कर लोगे आप। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो ना कि सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ ना तो सबसे पहले हमारा टारगेट वही है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स ले आए तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ ना एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू टू प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एक बात ध्यान दो एफ एक्स तो इधर है बट मेरे को एफ वाई भी है, बट मेरे को चाहिए क्या एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स चाहिए, तो एफ एक्स को एज इट इज रहने दो और यहाँ पे बोल दो पुट वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, क्यों मेरे को एफ ऑफ वन बाई एक्स भी चाहिए। तो आप देखो तो जरा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बदले वन बाई एक्स पुट करेंगे ना तो वन बाई एक्स एक्स कैंसिल होगा तो ये एफ ऑफ वन हो गया टू प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स। अब आपको लग रहा होगा ना कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स हो सकता है, बशर्ते कि एफ ऑफ वन का वैल्यू किसी भी तरीके से प्रूफ कर दे क्या टू के बराबर है कि नहीं है। तो देखो एफ ऑफ वन का वैल्यू टू के बराबर कैसे आ सकता है, तो उसके लिए मेरे पास हिंट दिया हुआ है कि एफ ऑफ फोर इक्वल टू कितना 17, तो क्यों ना हम लोग इस रिलेशन में करें कि एक्स के बदले फोर पुट कर दें और वाई के बदले वन पुट कर दें, क्यों मेरे को एफ ऑफ वन तो चाहिए चाहिए और एफ ऑफ फोर का यूज करना ही करना है, तो किसी एक वेरिएबल के बदले वन और किसी दूसरे वेरिएबल के बदले फोर पुट कर दो। तो यहां से देखो तो जरा हमारे पास अगर मैं यहां से बोलता हूं कि पुट एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू फोर, लेट मी सी, देखो तो हमारे पास टू प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ फोर, सॉरी देखना है यहां से एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ फोर इंटू वन दैट इज इक्वल टू टू प्लस एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ फोर, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को आप रख लो। देखो आप एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आता है हमारे पास एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ फोर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था आई थिंक सो एफ ऑफ फोर का वैल्यू दिया हुआ है 17, तो 17 प्लस 17 इक्वल टू 2 प्लस 17 इंटू एफ ऑफ 1, तो आप देखो 17 प्लस 17 34, इसको इधर ले आएंगे तो 32, इसको इस साइड कर दो तो 32 इक्वल टू 16 इंटू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2,
याद रखो एफ ऑफ वन का वैल्यू मेरे को टू ही लाना था, एफ ऑफ वन का वैल्यू अगर टू पुट करेंगे तो टू और टू कैंसिल हमारे पास हो गया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स। अब तुम बताओ कि हमारे पास ये कंडीशन आ गया तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन। अब जरा सोच लो कि हमारे पास n का वैल्यू निकालना है और उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ 5 निकालना है, तो n का वैल्यू के लिए f ऑफ 4 बड़े आराम से यूज कर सकते हैं कि f ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n, और f ऑफ 4 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 17 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n, 1 को इधर ले जाओ, 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4 टू द पावर n, यहां से हमारे पास बोल देंगे 4 टू द पावर n इक्वल टू 16, आई मीन 4 टू द पावर n इक्वल टू माइनस 16 तो नहीं होगा, यहां से n इक्वल टू कितना बोल देंगे 2, और n इक्वल टू 2 के लिए आप f ऑफ 5 का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? f ऑफ 5 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 टू द पावर n, आई मीन 1 प्लस 5 टू द पावर n लेंगे क्योंकि n का वैल्यू पॉजिटिव वाले से निकला, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला साइन यहां लेकर चलेंगे, और n का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 5 टू द पावर 2 बोले तो 26। तो मैं ये जो बोलना चाहता हूं समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस तो और इस पे बेस्ड ना हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, आई मीन कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जो घर पे आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर ना निकल पाए, आई मीन क्वेश्चन ना बन पाए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर दिस दिस एंड दिस, देन आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपके पास बोर्ड पे दे दिया, और एक दो क्वेश्चन मैं और आपके पास दे देता हूँ, सजेस्ट कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो इस फंक्शन पे बेस्ड, आई मीन इस कंडीशन पे बेस्ड बोले तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो आपके पास प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इस पे बेस्ड कुछ भी कोई भी न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये फील होगा कि इस पे बेस्ड हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, फटाफट आप उस क्वेश्चन को बना लोगे, सच दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग। ओके, कुछ क्वेश्चन और देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे चेंजिंग मिलेगा कॉन्सेप्ट का, बट अपने आईक्यू लेवल को यूज करना, गारंटी क्वेश्चन बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो मैं सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, आई मीन अगर आप अगले वीडियो में कुछ कमेंट करोगे तो कि सर मेरे को सॉल्यूशन चाहिए तो मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा, और व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है आपको इसके पहले वाले वीडियो में, व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ ही क्वेश्चन का आप आई मीन सॉल्यूशन पूछ सकते हो कहीं पे डाउट वगैरह हो तो। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं फंक्शन में। एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बिल्कुल बेसिक अभी हम लोग लेके चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन की ही बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बढ़े नहीं है अभी, उसी का बेसिकली थोड़ा सा यूज करने का तरीका हम लोग समझ रहे हैं, और फंक्शन के डेफिनेशन को थोड़ा सा यूज कर रहे हैं हम लोग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड एफ एक्स फ्रॉम एफ ऑफ के एक्स प्लस बी, आई मीन टू से कि हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एफ ऑफ के एक्स प्लस बी आई मीन एफ ऑफ लीनियर फंक्शन आपके पास दिया जाएगा, एफ ऑफ इनपुट में लीनियर दिया जाएगा और वहां से एफ एक्स के वैल्यू को जनरेट करना है, तो हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, हम लोग इसका यूज क्या है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि अगर एफ ऑफ लीनियर इनपुट हमारे पास होगा और वहां से अगर एफ एक्स को जनरेट आपने कर दिया तो हो सकता है कि आपके पास वहां से डेरिवेटिव का वैल्यू कुछ पूछ दे, वहां से उस इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ पूछ दे, आई मीन इसको एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे तो ज्यादा अच्छा होगा, बट फिर भी एग्जाम्पल के पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि हम लोग एफ ऑफ के एक्स प्लस बी से एफ एक्स पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग के पास गिवन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स प्लस बी, स्टेप फर्स्ट में ना हम लोग को करना क्या है कि जो इनपुट है ना उसको पुट के एक्स प्लस बी को हम लोग को एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी नेक्स्ट वेरिएबल से, मतलब हमने सब्स्टिट्यूट किया के एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना 10, अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू क्या बोलेंगे t माइनस b बाई k। स्टेप टू में क्या करना है हम लोगों को कि इस x के वैल्यू को f ऑफ k x प्लस b में जहां जहां x होगा वहां वहां x का वैल्यू t माइनस b बाई k पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू t माइनस b बाई k, आई मीन टू से कि y इक्वल टू f ऑफ k x प्लस b बोले तो f ऑफ k
इनटू x के बदले p माइनस b बाई k प्लस b। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, k से k कैंसिल, b से b कैंसिल, तो f हमारे पास क्या आ गया, t। तो स्टेप थ्री में क्या करना है हम लोगों को कि यहां से f ऑफ t आ गया ना, तो t को हम लोग x से रिप्लेस कर रहे हैं। आई मीन टू से रिप्लेस t बाई x, वी गेट fx। समझ में आ रहा ना, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया कि f f ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 5x² - x+1, और बोल दिया देन फाइंड fx। देखना बढ़िया से, तो सॉल्यूशन में हम लोगों को करना क्या है, लेट x माइनस वन इक्वल टू t, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में x माइनस वन को t से रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, t प्लस वन। स्टेप टू में क्या करना है कि x का वैल्यू जो हमारे पास आया वो एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां x के बदले t प्लस वन रिप्लेस करो। तो आपके पास f ऑफ x का बदले t प्लस वन पुट करेंगे, तो t प्लस वन माइनस वन इक्वल टू t प्लस वन यहां पे पुट करेंगे, तो 5 इंटू t प्लस वन टू द पावर 2 माइनस t प्लस वन प्लस वन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये और ये कैंसिल हो गया, तो f ऑफ t इक्वल टू 5 इंटू t स्क्वायर प्लस वन प्लस टू t माइनस टी माइनस वन, और ये प्लस वन हो गया, है ना। अब यहां से हमारे पास देखो f ऑफ t का वैल्यू कितना आ गया, 5 t स्क्वायर और प्लस 10 t माइनस t हो गया प्लस 9 t और प्लस 5, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो प्लस 5। लास्ट में हमने क्या बताया कि t को रिप्लेस कर देना है किससे, x से, सच दैट t fx निकल जाए। तो यहां से हमारे पास fx इक्वल टू क्या बोलेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। इस तरीके से मेरे पास fx आ गया, है ना। अब ये ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग तभी लगाएंगे जब हमारे पास की फंक्शन के जो इनपुट में हो वो लीनियर फंक्शन हो, इट शुड बी रिमेंबर। इसका एक बढ़िया सा यूज ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल देता आपको कि f ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 5x² - x+1, देन फाइंड, मैंने बोल दिया आपके पास कि f ऑफ 2 फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में f डैश ऑफ 3, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास बोल दिया कि fx का इंटीग्रेशन बताओ 1 से 2 के बीच। ध्यान देना मेरी बात को, तो देखो सारे क्वेश्चन जो हमारे पास है ना fx पे ही बेस्ड है। अब जरा तुम सोचो कि अगर क्या fx निकल जाएगा तो क्या फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो क्या, बड़े आराम से कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करो और लास्ट में x के बदले 3 पुट करो, फंक्शन निकल गया, क्या उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटीग्रेट करो और लास्ट में लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर लो। बट अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, ध्यान देना फर्स्ट क्वेश्चन में कि f ऑफ 2 मेरे को चाहिए ना, तो f ऑफ 2 निकालने के लिए ना कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग fx का वैल्यू निकाले ही निकाले। f ऑफ 2 के लिए हम लोग यहां पे भी दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि x का वैल्यू क्या पुट करें कि मेरे पास इनपुट 2 हो जाए। यहां से बाई ऑब्जर्वेशन लग रहा होगा ना कि अगर मैं पुट x इक्वल टू 3 करूं तो मुझे लगता है f ऑफ 2 निकल जाएगा, तो x का वैल्यू 3 पूरे में पुट कर दो, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, और सॉल्व कर दो, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो यहां से आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना कि हाउ टू फाइंड fx विद द हेल्प ऑफ f ऑफ kx प्लस b। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आइए इसी में लेकर चलते हैं हम लोग फंक्शन का नेक्स्ट टाइप। हम लोग बात करते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किसे बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा कि दो पॉलिनोमियल का रेशियो, दो पॉलिनोमियल का रेशियो को हम लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन। जैसे सपोज करो कि हमने बोल दिया कि लेट fx इक्वल टू a नॉट प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू a n x टू द पावर n, एंड gx इक्वल टू बात करेंगे b नॉट प्लस b वन एक्स प्लस b टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू b m x टू द पावर m।
आर पॉलिनोमियल फंक्शन देन एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन. आई बात समझ में कि दो पॉलिनोमियल का रेशियो हमारे पास ले लो सर, उसी को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलेंगे. तो इसमें एग्जांपल के तौर पे भी हम लोग समझ सकते हैं. सपोज करो कि हमने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू. देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर पॉलिनोमियल का डिग्री वन, नीचे का भी पॉलिनोमियल का डिग्री वन. तो मुझे डिग्री वन डिग्री टू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि सर पॉलिनोमियल नोमिनेटर भी होना चाहिए, पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर भी होना चाहिए. तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन. दिस इज अ रैशनल फंक्शन. नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं एफ वन एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू. रैशनल फंक्शन है. देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन. तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे रैशनल फंक्शन. अब रैशनल फंक्शन के अगर डोमेन की बात करें तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इस फंक्शन के डोमेन की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये देखो कहीं पे अनडिफाइंड होने वाला है. फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया तो आपको लग रहा होगा ना सर एक्स का वैल्यू टू पुट करेंगे तो वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा. मतलब जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर एक्स के जिस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है तो पक्की बात है कि एक्स का वो वैल्यू उस फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा. तो पक्की बात है कि इसके डोमेन में क्या नहीं आएगा x इक्वल टू टू, इसके भी डोमेन में क्या नहीं आएगा x इक्वल टू टू. तो यहां से बोल सकते हैं कि इसका डोमेन ऑफ द जो फंक्शन होगा वो बोलेंगे x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट टू. यहां पे भी बोलेंगे डोमेन ऑफ द जो फंक्शन होगा वो x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट टू. तो मुझे कहना ये है ना कि डोमेन ऑफ एवरी रैशनल फंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं बोलूंगा x belongs to all real number except denominator equal to zero. मतलब जहां जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा. आई मीन रैशनल रियल नंबर में उसको एक्सक्लूड कर देंगे. राइट ना? तो यहां पर एक लाइन मोटे मोटे अक्षरों में लिख सकते हैं हम लोग डोमेन ऑफ every rational function is x belongs to R except, इसको हम लोग साइन साइन को बोलते हैं except denominator equal to zero. right now फिर एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स टू दावर हंड्रेड माइनस थ्री एक्स टू दावर नाइनटी एट प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. अब बताओ ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल. अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो देख लो ये डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो रहा है. तो ये तो नीचे लग रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है. तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास जीरो कहां कहां पर होगा, इसका फैक्टर देख लो तो हमारे पास x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री होगा. तो पक्की बात है कि बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास जीरो होगा डिनोमिनेटर x का वैल्यू टू पे एंड x का वैल्यू थ्री पे. वैसे भी जीरो होने के लिए हमारे पास नीचे को जीरो करो और उसको सॉल्व कर दो, वहां से x का वैल्यू तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो. तो यहां से बोल सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट टू एंड क्या थ्री. तो यहां से एक बात क्लियर हो रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि डोमेन ऑफ एवरी रैशनल फंक्शन इज x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट टू एंड थ्री.